हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि हमारी जेब्रा फिंच साल में कितनी दफ़ा ब्रीड करती है। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। और जिन भाइयों ने भी अभी तक हमारे यूपी पैरल बर्ड्स लवर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमारी जेब्रा फिंच किस साल में कितनी दफ़ा ब्रीड करती है। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि हमारी जेब्रा फिंच का एक क्लच कितने दिन में कंप्लीट पूरा हो जाता है। इसी हिसाब से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपकी जेब्रा फिंच साल में कितनी दफ़ा ब्रीड करती है। सबसे पहली बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि हमारी जेब्रा फिंच बारहमासी ब्रीड करती है, यानी कि समझ लो कि अगर सर्दी में वो कम ब्रीड कर रही है तो गर्मी में और ज़्यादा करती है। बस आपको टेम्परेचर कंट्रोल करके रखना चाहिए। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ जेब्रा फिंच साल में कितनी दफ़ा ब्रीड करती है। तो दोस्तों, साल में हमारी फिंच जो है 5 से 6 बार हम इजीली ब्रीड ले सकते हैं अपनी जेब्रा फिंच से। इसमें दोस्तों बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि मैं आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहूँगा कि हमारी जेब्रा फिंच का साल में मतलब एक क्लच कितने दिन में कंप्लीट होता है। हमारी फिंच का एक क्लच एक महीने में कंप्लीट होता है। वो कैसे होता है दोस्तों, जो फिंच पहली तारीख को अगर फिंच ने अंडा ले कर दिया तो उसी तारीख से 13वें 14वें दिन उस अंडे में से बच्चा निकल आता है और 10 से 15 दिन में बच्चा मटकी से बाहर आके वो सेल्फ होके तैयार हो जाता है, यानी कि वो खुद से दाना खाना सीख जाता है। तो ये होता है फिंच का क्लच कंप्लीट। और दोस्तों, फिंच काफ़ी छोटा बर्ड होता है तो इसीलिए आप लोगों को अपनी फिंच बर्ड का कैल्शियम और विटामिन का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है अगर आपको अपनी जेब्रा फिंच से अच्छे से ब्रीड लेनी है। तो फिंच बर्ड से हम साल में 6 दफ़ा ब्रीड ले सकते हैं, जो कि हमारी फिंच बर्ड को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो इन सब बातों का आप लोग अगर ध्यान रखोगे तो आप लोग अपनी बर्ड से साल में 6 बार ब्रीड ले सकते हो। बस आपको अपने बर्ड्स का सॉफ्ट फूड्स का अच्छे से ख्याल रखना है, सीड मिक्स का अच्छे से ख्याल रखना है, कैल्शियम और विटामिन का अच्छे से ख्याल रखना है। इन सब का अगर आप लोग बहुत अच्छे से ख्याल रखोगे तो आप लोगों के पास फिंच बर्ड बहुत अच्छी ब्रीड भी करेगी, अंडे भी ले करेगी और उन अंडों में से बच्चे भी अच्छे से हैच कर देगी। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि आज की वीडियो में आप लोग जान गए होंगे कि हमारी फिंच साल में कितनी दफ़ा ब्रीड करती है और कितने क्लच हमको साल में लेने चाहिए। तो मिलते हैं फिर किसी ऐसी इंटरेस्टिंग भरी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप एक बर्ड्स लवर हो, अगर आप भी अपने घर पर बर्ड्स रखे हुए हो तो हमारे यूपी पैरट बर्ड्स लवर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आप लोगों तक ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो पहुँचती रहे। तो फिर मिलते हैं किसी ऐसी इंटरेस्टिंग भरी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने वर्ड्स का ख्याल रखें। तो बाय बाय ऑल फ्रेंड्स।